यार फोन की प्राइसिंग है 25,000 रुपए और जो प्रोसेसर मिल रहा है ना भाई वो 15,000 वाले फोन का मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 695। पैसा बर्बाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे ओप्पो F23 5G स्मार्टफोन को सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि ओप्पो के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना सिर्फ और सिर्फ सैमसंग फोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि यार इस फोन में हमें डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है भाई, काफी ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले है, काफी मजेदार कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। और वहीं दूसरी तरफ ओप्पो को देखना यार, सिर्फ IPS LCD देके इन्होंने काम में मुका दिया, कोई AMOLED पैनल वगैरह इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओप्पो का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि कलर वाइज 13.1 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि One UI 4.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर ओप्पो का फोन ही बढ़िया है, क्योंकि इस फोन में हमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। लेकिन यार अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना हो ना भाई, तो यार जो सैमसंग के अंदर हमें One UI दी गई है ना भाई, एकदम बढ़िया UI है, फोन चलाने में आपको मजा आ जाएगा। यहां ये ओप्पो के कलर वाइज की तरह कि भर के तो आपको ब्लोटवेयर मिल जाएंगे। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो ओप्पो के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के अंदर हमें एक्सिनोस 2100 5G चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं। लेकिन यार थोड़ी सी और बढ़िया गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें एक्सिनोस 2100 दिया गया भाई, अच्छा चिपसेट है, कैजुअल वगैरह गेमिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार हीटिंग इशू आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे ओप्पो की, तो इस फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, माइक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन का मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, जो टेलीफोटो कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। और यकीन मानिए दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का फोन ही विनर है भाई, काफी कमाल का कैमरा सेटअप है इस स्मार्टफोन का। यहां ओप्पो में आपको एवरेज ही कैमरा सेटअप दिया गया, बस इसका जो माइक्रो कैमरा है ना 2 मेगापिक्सल का वही बड़ी है, सिर्फ माइक्रो शॉट्स लेने के लिए। कैमरा सैंपल्स आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप ओप्पो के बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। और यहां तो दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन में ही फर्क है, क्योंकि ओप्पो का फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग का फोन OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है जो कि काफी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई सेल्फी लवर के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप ओप्पो के फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ओप्पो फोन यहां पर 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के अंदर हमें 4500mAh की बैटरी दी गई है जो कि सिर्फ 25W की ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में ओप्पो का फोन ही विनर है, लेकिन यार एक और चीज का ध्यान रखिएगा, सैमसंग बेशक 25W का सपोर्ट दे रहा है लेकिन मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा है यार, ये लग ही अपनी गेम में चला रहे हैं आजकल तो। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें ओप्पो फोन के अंदर दिया गया है, लेकिन सैमसंग फोन के अंदर हमें नहीं दिया गया। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहां पर स्टीरियो स्पीकर्स के भी साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें ओप्पो के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि ओप्पो फोन के
8 प्लस 256 GB वेरिएंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 25,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के 8 प्लस 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 33,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपका बजट है भाई 25,000 रुपए तक का, तो यार उसमें आप ओप्पो का ये वाला स्मार्टफोन मत लेना यार, इसकी जगह पर आप रेडमी नोट 12 प्रो स्मार्टफोन ले सकते हो, वो काफी ज्यादा बढ़िया है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपका बजट है भाई 30-32,000 रुपए तक का, और उसमें अगर आपको सैमसंग का एकदम बढ़िया वाला स्मार्टफोन लेना है लेकिन हीटिंग इश्यू भी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाइए। और दोस्तों प्राइसिंग ना यार ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों यही था मेरा कुछ ओनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।